हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड माय नेम इज़ निशा पहुजा। आप लोग थंबनेल पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। देखो, ये जो आज की वीडियो है ना, बहुत लोग मुझसे RRB PO की डिटेल स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे, इवन RRB क्लर्क की भी, तो ये टोटली उसके ऊपर है क्योंकि आई नो अगस्त में उसका प्रीलिम्स स्केड्यूल्ड है और हमारा भी अगस्त में ही हुआ था PO और क्लर्क दोनों का प्रीलिम्स। एंड मेरा 1 अक्टूबर को RRB PO का मेन्स था, तो अराउंड 1.5 मंथ मुझे मिला था। जनरली इतना भी नहीं मिलता है, बट ठीक है। देखो सिलेबस की, देखो अगर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज की आप लोग बात करो ना, तो वो मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ कि आपको बेसिक्स कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करना है और मेंस के लिए तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है, सोर्सेस। बट स्टिल मैं उसको फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी से ऐसा मंथ वाइज ऐसा रैपअप कर दूंगी, ठीक है। इसमें अब अभी मैं सोच रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जिसने भी RRB PO देना है उसने अप्रैल में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए देखो, अगर कॉन्स की मैं बात करूँ, कॉन्स पे आप प्रीलिम्स कहाँ कहाँ से कंप्लीट करोगे, आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, कौशिक मोहंती सर, शांतनु सर, @247 के हैं वो, ठीक है। उसके बाद आप एस कॉन्स से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करोगे एस कॉन्स से, @247 की बुक है ये। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आप बाय भी कर सकते हो। आपको डेली आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट लगानी है, अभ्यास मैगजीन लगानी है, ठीक है। आपको डेली स्क्वेयर्स, क्यूब्स, टेबल्स लिखने हैं, स्क्वेयर्स 50 तक, क्यूब्स 30 तक और टेबल्स 1 से 25 तक। फ्रैक्शन वैल्यूज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये डेली लिखना है सुबह उठ के। आपको जो छोटे छोटे लाइव मॉक्स होते हैं @247 की एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मॉक्स देने हैं ज़रूर। एंड अगर आप सेक्शनल मॉक्स लगा रहे हो ये, तो आपको मतलब आपको उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। ये तो बात रही कॉइंस की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के लिए जो मैं टीचर्स को आप बोलूँगी, आप रिलाई कर सकते हो उन पे, अंकुश लांबा सर, पारुल गेरा मैम फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस के लिए आप वर्चुअस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, राम बाण उपाय, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग। आपको खुद अपना मतलब अगर आप उस चैनल को देखोगे ना, यू विल बी सो हैप्पी कि मेरे को ये कॉन्टेंट क्यों नहीं पता था, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्टेंट है फॉर मेंस, प्रीलिम्स के लिए नहीं। प्रीलिम्स के लिए पारुल गिरा मैम एंड अंकुश लांबा सर, ठीक है। इवन अंकुश लांबा सर की मेंस की वीडियोस भी अच्छी हैं, वो भी देख सकते हो। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट चाहिए, एस रीजनिंग की बुक ले सकते हो, 24/247 की पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पारुल गिरा मैम की ना चेकलिस्ट आती है रोज़, मैं अपने चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद सेक्शनल मॉक, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए ना @247 की एप्लीकेशन पे जाकर उनके लाइव मॉक्स भी देने हैं। लाइव मॉक्स इन द सेंस वो शॉर्ट शॉर्ट क्विजेज होते हैं, ठीक है, 15-15 मिनट के, आपको वो देने हैं। रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है। अगर अब मैं उसके बाद इंग्लिश पे जंप करूँ, तो इंग्लिश पे देखो आप एडिटोरियल के लिए संतोष सर की वीडियो देख सकते हो, निमिषा बंसल मैम की देख सकते हो, विशाल सर की भी देख सकते हो। विशाल सर ना अनअकैडमी पे हैं, ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी की भी वीडियो देख सकते हो इंग्लिश के लिए। एडिटोरियल आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको वो बेनिफिशियल लगता है, मुझे नहीं लगता था, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। आप लाइव मॉक्स देना, सेक्शनल मॉक देना, ठीक है। लाइव मॉक आपको वही पता है, शॉर्ट क्विजेस @247 और एक एक सेक्शनल मॉक आपको लगा, सॉरी, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका इंग्लिश का स्ट्रैटेजी, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लीज सेक्शनल मॉक पे स्विच कर जाना, सेक्शनल मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अब देखो अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखती थी। डेली मैं कहाँ से देखती थी, आशीष गौतम सर हैं, ठीक है, TNA ऑलिव बोर्ड पे हैं सर वो, एंड अभिजीत सर, इन तीनों में से किसी की भी वीडियो देख लो, बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको PDF से भी पढ़ना है, मैं दो सोर्सेज फॉलो करती थी, कंटेंट एंड वीडियो। तो कंटेंट के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड की PDF को फॉलो करती थी, मंथली वाली को, मैंने कंपैरिजन भी करा हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि मंथली PDF पढ़नी कैसे है, वो 150-200 pages की। आप, मैं पिन कर दूंगी वो वीडियो का लिंक, आप प्लीज़ देखना वो। अब रिवीजन कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस मॉक पे ना फ्री करंट अफेयर्स के मॉक्स मिलते हैं हर एक वीक वाइज, आप प्लीज़ वो लगा सकते हो, ठीक है। अगर किसी के पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो पेड सब्सक्रिप्शन पे तो होगा ही करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है, अगर वो नहीं करोगे ना, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो प्लीज़ मल्टीपल टाइम रिविजन प्लीज़ करिए। अब देखो RRB PO में ना हिंदी का भी ऑप्शन रहता है, तो अगर हिंदी आपको पढ़नी है
तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, हर्षल अग्रवाल सर के मेंस अपॉइंटमेंट में उस टाइम पे देखती थी, आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ के टाइम पे, मेनली आरआरबी पीओ, तो वो ना अपनी हिंदी की वीडियोस भी कुछ अपने चैनल पे उनकी होंगी, क्योंकि मेरे को याद है कि वो बोलते थे कि मैं हिंदी की भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, जिनको भी हिंदी का जिन्होंने भी हिंदी एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट करी है आरआरबी पीओ में, आप हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पर जा सकते हो, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हो हिंदी में, ठीक है, हिंदी के सिलेबस के लिए जितनी भी वीडियोज़ हैं। उसके अलावा ना आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उससे क्या होगा ना, मैं उधर वहाँ पे मैंने हिंदी की पीडीएफ वहाँ पे शेयर करी हुई है, तो आप वहाँ से भी हिंदी अपनी कवर कर सकते हो। ओके, सेकेंड चीज़ कंप्यूटर आती है वहाँ पे मेंस में, मेंस में कंप्यूटर आती है आरआरबी पीओ के, तो आप कहाँ से करोगे कंप्यूटर? देखो मैंने ना दो तीन सोर्स फॉलो किए थे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ऐसा वेग साथ है, तो देखो हिंदी हिंदी की मैं बात कर चुकी हूँ। कंप्यूटर के लिए ना देखो, एक अरोड़ा एजुकेटर करके ना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ना फ्री में वीडियोस हैं कंप्यूटर की, आप उनको देख सकते हो। मैं ये बोलूँगी जब आपका प्रीलिम्स हो जाए ना आरआरबी का अगस्त में, उसके बाद ना अपना अरोड़ा एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लीज़ उनकी ना वीडियोज़ देख लीजिएगा, रोज़ 20-25 मिनट की होती होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होती होगी, और रोज़ अगर आप एक भी देख लोगे ना, वैसे एक से काम नहीं चलेगा, रोज़ आप दो तीन देखोगे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरे को ना इतना वीडियो से फ़ायदा नहीं हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वीडियोस देखी, वीडियोस उनकी काफ़ी अच्छी हैं, मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने ना ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ है कंप्यूटर अवेयरनेस की, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहाँ पे मैंने शेयर कर रखी है, तो मैंने वहाँ वो उस वीडियो से करा था, और एक दो सॉरी उस पीडीएफ से किया था, और एक दो और पीडीएफ सोर्सेस हैं, मैंने वहाँ से कंप्यूटर कर लिया था, ठीक है। तो मेरे सोर्सेस ये थे कंप्यूटर के, और वही चीज़ मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं मेन चीज़ की बात करती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ कब करनी है, आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, डेली स्केड्यूल, ठीक है। देखो अप्रैल में आपने तैयारी शुरू करी है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। अप्रैल से मई एंड तक आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रोज़ खुद प्रैक्टिस करनी है, चाहे रीजनिंग हो चाहे कौन सा हो, ठीक है, खुद करनी है प्रैक्टिस, वीडियो देख के नहीं करनी। इंग्लिश की वीडियो देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड करंट अफेयर्स भी खुद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद ना सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर दो अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए। आपको लगता है मेरा कॉन्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, सेक्शनल मॉक्स दो, 20-20 मिनट के होते हैं प्रीलिम्स के, ज़्यादा नहीं होता। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स दे दो, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद अड्डा 24/7 के शॉर्ट क्विजेज दो, 15-15 मिनट के, स्पीड इंप्रूव होगी। प्रीलिम्स में सब स्पीड का खेल है, स्पीड हो गई आपकी अच्छी तो प्रीलिम्स निकाल लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खुद प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ डोंट वॉच टू मेनी वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस मत देखिएगा, वो फ्रूटफुल नहीं होता है, खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जून या जुलाई की। देखो जून मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका मेंस जून में स्टार्ट हो चुका होगा, मेंस की तैयारी नहीं हो पाई तो जुलाई में कर लीजिएगा हद से हद, ठीक है। मेंस का सिलेबस आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन आप वीडियोज़ देखो कैसे सॉल्व होती हैं चीज़ें मेंस के लिए। आप मेंस की डीआई की वीडियो भी आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे देख सकते हो, इवन रीजनिंग के लिए भी आप देख सकते हो अंकुश लांबा सर पे, और वर्चुअस यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। मेंस की पजल खुद प्रैक्टिस करनी है, मेंस की डीआईज आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, नहीं देखनी इधर उधर से, ठीक है। मैं मेंस के लिए मैगजीन है एक कॉन्स की, मैं वो अपने चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चंस 200-250 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, आप करिए प्रैक्टिस। उसके बाद जब आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक्स देना साइमल्टेनियसली बहुत ज़रूरी है, आप प्रीलिम्स को नहीं छोड़ सकते। सेक्शनल मॉक दे दो, फ्री के मॉक्स दे दो, देखो एक बार इन्वेस्ट कर लोगे ना मॉक्स में तो दिक्कत नहीं होगी, आपका ना ज़िंदगी बन जाएगी एक बार सिलेक्शन हो गया तो, मैं तो उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, तो कर लो यार, ठीक है। सेक्शनल मॉक दीजिए आप प्रीलिम्स के जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद जुलाई में आपको फुल मॉक्स देने हैं, अब मैंने क्या तब से बोला था सेक्शनल देने हैं, अब जुलाई में आपको फुल मॉक्स देने हैं प्रीलिम्स के, आप सेक्शनल पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है, तो जुलाई में आपको फुल मॉक्स पे स्विच कर जाना है। आप प्रीवियस ईयर के दीजिए, इस ईयर वाले नहीं देने, तो जैसे भी मर्जी हो फुल मॉक्स पे स्विच कर जाओ, मेरा मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगस्त में क्या करना है। अगस्त में तो आप देखो सिर्फ 10 से 15 दिन पहले जब भी आपका एग्जाम है, मेंस को छोड़ो, प्रीलिम्स पे फोकस करो, प्रीलिम्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो। जैसे इस बार 5 से 10 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम स्केड्यूल है, पिछली बार भी आरआरबी क्लर्क का 7 अगस्त को था, तो मैं ये बोलूँगी कि जुलाई 20 से 20 जुलाई के बाद आप मेंस करना छोड़ दो, आप प्रीलिम्स पे फुल फोकस करो,
सारे सिर्फ प्रीलिम्स के ही मॉक्स दो, और जैसे जैसे दिन पास आते जाए ना, आप 2-3 मॉक्स भी दे सकते हो। मैं खुद दिन के 4-4 मॉक्स दिए हैं मैंने प्रीलिम्स के, आई एम नॉट लाइंग, 4 मॉक्स मैंने दे दी थी। स्पीड इम्प्रूव होती है प्लीज़, स्पीड इम्प्रूव होती है, ठीक है, पागल मत समझना मुझे। प्रीलिम्स देने के बाद 1-2 दिन का रेस्ट लो, बट 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्प्लीटली स्विच कर जाओ मेंस की तैयारी पे। मेंस की तैयारी मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से चैनल से करनी है। रीजनिंग के लिए सबसे मेंस का अच्छा कंटेंट वर्चुअस चैनल पे अंकुश लांबा सर पे। कॉइंस के लिए आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, इनकी DI वीडियोज़ और अर्थमेटिक वीडियोज़ देखो, और कौशिक मोहंती सर। इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम, विशाल सर जो है बैंकिंग वल्ला के, इंग्लिश का कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। और ये टाइम है आपको ना पता है पूरा फोकस किस चीज़ पे करना है, करंट अफेयर्स के रिविजन पे। 4 से 6 महीना मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी की जो भी PDF है, अगर कोई हिंदी चूज़ कर रहा है आपको उसका रिविजन करना है। कंप्यूटर उसको आपको रोज़ रिवाइज करना है, ठीक है। सितंबर में जब आप आ जाओगे, ठीक है, सितंबर में आपको रिविजन पे आप फोकस कर देना है। तब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे थे सितंबर में, कंप्यूटर हिंदी और करंट अफेयर्स का। सितंबर में आप रिविजन करो करंट अफेयर्स की 4 से 6 महीने की। मेंस का मॉक आप डेली लगा सकते हो, वेल एंड गुड। एनालिसिस पर रोज़ होना चाहिए, एनालिसिस मिस आउट नहीं कर सकते। डेली नहीं लगा सकते तो ऑल्टरनेट बेसिस पे लगा लो, 2 दिन में 1 बार चलेगा, हफ्ते में 3 मॉक्स हो जाएंगे, काफ़ी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस आपने नहीं करे प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा कुछ भी। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है मॉक का, प्लीज़ एनालिसिस करिएगा। देखो आई नो आप लोग बोलते होगे कि ये क्या पागल है, मॉक्स मॉक्स बोलती रहती है, पर पता है मेंस के लिए मॉक्स क्यों ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। मेंस में ना आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, आपको रीजनिंग में 15-20 नंबर लेके आ जाओगे, कॉइंस में 10-15 लेके आ जाओगे, मोर देन इनफ है। इंग्लिश में भी आप 25-30 लेके आ जाओगे, काफ़ी है। डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लो, डिस्क्रिप्टिव की वीडियो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। करंट अफेयर्स में अच्छा कर लो। होता क्या है ना मेंस के मॉक्स से, आपको ना पता चलता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन उस टाइम पर छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है। अगर आपने मेंस के मॉक्स नहीं दिए होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाती थी ना, मुझे देखते पता होता था 1 मिनट लगा के उस क्वेश्चन पे, मेरे को ये छोड़ देना है, मेरे को करना ही नहीं है क्वेश्चन। तो इससे क्या होता था, मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता था उन क्वेश्चन पर जो मुझे करना ही नहीं है। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं मेंस में पास आउट होने के लिए, प्लीज़। उसके बाद आपका अक्टूबर में मेंस हो जाएगा, मेरा भी 1 अक्टूबर को था, तो आपका चांस है कि सितंबर में ही हो जाए या अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उसके बाद आप अपने IBPS पे शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, सितंबर में आपको सिर्फ मॉक्स देने हैं, मॉक्स पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से ही आपको कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस करने का भी। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो कि RRB PO के लिए हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, प्लीज़ आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी मैं वीडियो भी बना दूँगी। If you like the video, do subscribe to my channel. Thank you so much and help me grow.